हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव एवी शो। हम आपके दोस्त, मैं हूं यतिन, मैं हूं अभिषेक। आज हम लेके आए हैं बहुत ही मीठा गाना और ऐसी मूवी है ना भाई, इतने साल बाद, 5 साल बाद री-रिलीज हो रही है। री-रिलीज करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि लोगों का मतलब मूवी का फैंडम ही इतना बड़ा है। और मूवी का नाम है लैला मजनू, जिसमें तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी दोनों काम करे भाई। और मैंने मूवी देखी है क्योंकि वो तभी YouTube पे लाइव थी मूवी, तो मैंने तभी देखी थी। और मूवी का गाना भी इतना अच्छा था, और इम्तियाज अली और साजिद अली की डायरेक्शन है तो भाई है। क्या ही कहना, इम्तियाज भाई की डायरेक्शन मतलब सवाल ही नहीं, मतलब वो रहते ना वन मोस्ट लो रेटेड मूवीज, मतलब अंडररेटेड नहीं सकते, और अंडररेटेड ही है। यस, अंडररेटेड मूवी में से एक है उनकी भाई, क्योंकि उन्होंने भाई बहुत सारे मूवीज बनाए जो टॉप नॉच है। तो चलिए देखते हैं, रॉक स्टार भाई कीला। तो भाई गाना जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। पत्ता अनारों का, पत्ता चनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ दिन रात। अरे आपको ये बताना तो भूल गए, क्या गाया आतिफ असलम ने भाई? हाय सॉरी यार, सॉरी आतिफ भाई, 2018 में आतिफ भाई ने गाया हुआ गाना है। यस यस, दिखता हूँ मैं तेरी राहों में, मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू। क्या बात है, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू। रघु छुपक में सबसे वो लैला, मांगू जुबान से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है, तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, अब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। मांगी थी दुआएं जो उनका ही असर है, हम साथ है यहाँ पे भी, तू हूरों से ज्यादा हसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है। आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां। रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू जमाने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है, तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। भाई साहब क्या मतलब, अगर आपने ये मूवी देखा है या आप जब ये मूवी देखेंगे तब आपको इस गाने का मतलब एसेंस और ये गाना तब समझ में आएगा। अभी जो उसमें लगता है कि लूप पे सुनते जाए, खत्म ना हो। अगर अभी अगर तुम लोग ने देखा है वो जो फोटो वाला सीन था ना, कि वो लोग सेल्फी लेते हैं और उसमें वो नहीं दिखते भाई, तो ये मूवी से कनेक्टेड पॉइंट है उसमें। तो जरूर जाके देखिए मूवी जब अभी रिलीज हुआ है। इनकम्प्लीट, यस, मतलब उसमें इनकम्प्लीट तो वो मूवी जरूर जाके देखिए, क्योंकि मूवी मतलब मैंने वही सोचा कि इम्तियाज अली की मूवी, मुझे भी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था एक्चुअली कि देखो भाई बहुत अच्छी मूवी है। गाइस इम्तियाज अली सर की जो भी मूवी है ना उसको मिस करो ही मत, उसको पहले देखना होता है। मे बी वो अहेड ऑफ द टाइम होती है मूवीज कभी कभी, और काफ़ी काफ़ी मूवी ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के बाद समझ में आती है। हाँ, अभी भी लोग रॉकस्टार से इतना रिलेट करते हैं। करेक्ट, जबकि रॉकस्टार आया था तब हम छोटे थे, छोटे थे और तब उतनी मतलब स्टार्टिंग में चली भी नहीं थी मूवी। हाँ, लोग बोल रहे थे क्या मूवी है कि मतलब, बट आज भी क्या स्ट्रॉन्ग फैन बेस है उसका। यस भाई, उसके तो गाने, अगर रॉकस्टार मूवी के गाने चाहते हो
कि हम उस पर रिव्यू करें, रिएक्ट करें, तो कमेंट भाई कमेंट में बताओ लाएंगे। तो चलो ये मूवी जाके देखो थिएटर में। यस 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 भाई, मिस मत करो। यस मूवी बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि मतलब एक्टिंग भी दोनों की बहुत अच्छी है इसमें। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। यस यस यस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट बताओ, और जो भी आपके सब सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, या कुछ ऐसा सॉन्ग जो हमने सुना नहीं अभी तक, जो कोई एल्बम का हो, कवर सॉन्ग हो, किसी अंडररेटेड आर्टिस्ट का हो, वो बताओ, हम जरूर लेके आएंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आप हमें रिकमेंडेशंस भेज सकते हो। वहाँ पे भी आप अपने स्टोरीज में वैसे कोई सॉन्ग होगा, रील्स होगा, उसमें आप टैग करो, हम लोग वो सॉन्ग पे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ आप हमसे जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। सो ऑन दिस नोट, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो।